मेरा नाम जावेद खान हुआ और हमारी जो बैकग्राउंड है एकेडमिक बैकग्राउंड वो मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और दिल्ली में और मैनेजमेंट कंसल्टेंट और NGO कंसल्टेंट के ज़रिए से ही जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को कंसल्टेंसी का की सेवाएँ देता हूँ। ये बड़ा ही दिलचस्प है कि ब्रह्मा कुमारी, चूँकि हम लोग बहुत सारे और हमारे दोस्त और हमारी जो टीम है मिलकर एक लंबे वक्फे से मुख्तलिफ इवेंट कराती है, जो सोशल प्रोग्राम भी होते हैं और पॉलिटिकल प्रोग्राम भी होते हैं, और इन प्रोग्रामों के ज़रिए से मुख्तलिफ समाज के मुख्तलिफ लोगों से जुड़ने का और उनके साथ मिलके काम करने का मौका मिलता है। ये उन प्रोग्रामों में इत्तेफाक से हम लोग और हमारी जो टीम है उसमें बहुत से धार्मिक गुरु को भी बुलाते हैं और उनको सम्मान करते हैं। ये तकरीबन 2008, 2009 और उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा है। इन प्रोग्रामों में पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, एकेडमिशियन, रिलीजियस लीडर और भिन्न भिन्न लोगों के जो कि मुख्तलिफ एरियाज में जिनका काम है उनको बुलाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनको सम्मान करते हैं और ये काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से चल रहा है। इत्तेफाक ये है कि उन प्रोग्रामों में हम लोगों ने दिल्ली के मुख्तलिफ सेंटर से जिस संस्था के लिए ब्रह्मा कुमारीज, उनके दिल्ली में काफ़ी सेंटर है, बड़ा काम है, तो हम लोगों ने उन्हें भी बुलाया और उन्हें भी सम्मान किया। खूबसूरती उन प्रोग्रामों की ये होती है कि हम उन्हें मौका भी देते हैं कि अपनी बातों को लोगों के सामने रखें कि आखिर आपकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करते हैं, समाज कैसे आगे बढ़े, या समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो ठीक है लेकिन जो बुराइयां हैं वो कैसे कम हों और देश इससे कैसे, देश को हम क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये बड़ा इशू है। तो इन तमाम चीज़ों में मैं भी, चूँकि एक शौक़ है लोगों से मिलने का, संस्थाओं के बीच में काम करने का, इस तरह से मैं भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ और मेरा अटैचमेंट ब्रह्मा कुमारी से तकरीबन आप यूँ समझे इट वॉज अराउंड 2008-2009, टिल टुडे इट इज़ ए कंटिन्यू। और जो हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ भी हमने रेडियो के ज़रिए से अपना मैसेज दिया था देश को। उसके बाद इनके जो बड़े हॉल हैं जिसे डायमंड हॉल कहते हैं, वहाँ भी एक मेरा प्रोग्राम हुआ। उससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में बोलता रहा हूँ और अपनी बातों को रखता हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं एक दूसरे की, साफ सफाई का बहुत ध्यान देते हैं और जो मेडिटेशन है, जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है उसमें इनका काफ़ी बड़ा काम है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो मुझे लगी कि
ना तो यहाँ जात बिरादरी की कोई बात करता है, ना कोई मजहब की बात करता है। सब लोगों को देखा जाए तो सही मानों में वो इंसानियत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, समाज को किस तरह से अच्छा किया जाए, सुधारा जाए, उसमें क्या हो सकता है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इस देश पे लाखों ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, ये यूएन के पैनल पे है, यूनाइटेड नेशन के। इतना बड़ा अचीवमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे नहीं लगता। अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और उसको गहराई से स्टडी करेंगे तो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है एक अलग आइडियोलॉजी है, एक लंबी रेस में हम कह सकते हैं समाज के उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के लोगों के लिए भलाई के लिए जो सोचता हो। मुझे लगता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन देश और देश के बाहर शायद ही कोई हो जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 140 कंट्रीज में फुल फ्लैज काम है, 10,000 के आसपास इनकी सेंटर्स हैं और न जाने करोड़ों लोग, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे धर्म और जात दो बड़ी खराबियाँ हैं इस देश के अंदर और एशियन कॉन्टिनेंट में। इन ऑर्गेनाइजेशन में हमने आज तक जब से मेरा अफिलिएशन रहा है मैंने कभी नहीं देखा, और दूर दूर तक मुझे अगर मैं माइक्रोस्कोप भी लगा लूँ तो शायद ही कोई इस तरह की खराब चीज़ें जो दिखी हो वो शायद ही मैं आपको बता पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ऑन मेरिट्स आई थिंक आई शुड गिव 100% मार्क्स टू ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि इनका काम करने का तरीका, इनकी पूरी टीम, और सबसे खूबसूरती ये है कि जो महिलाओं को इन्होंने हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन दिया है वो सबसे ये आइकॉन है। मेरे ख्याल से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इन तमाम शब्दों के साथ मैं यही आशा करूँगा जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं इससे जुड़े, करीब आएं, कदम से कदम चलाएं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तो ऐसा लगता है कि हम इस देश को एक और भी अच्छा देश और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।